आज हम आए हैं यहाँ उड़ीसा अपने पेशेंट से मिलने के लिए। तो उन्हीं के दीवाने जानते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम थी और रिजल्ट क्या आया। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? कहाँ से हैं? जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको सर? लड़का था जी, कितने साल से था? जब 6 महीना था। जी जी, कहाँ था इलाके वाली? बुल्ला पदमपुर जहाँ भी दवा पता नहीं चलता है कि कहीं नहीं हो रहा था। जी जी, तो अभी क्या दवाई चल रही है? अभी दवाई चल रहा है जी। ये हमारी संस्था का फीडबैक चल रहा है, तो क्या रिजल्ट आया सर? अभी ठीक है, नहा रहा है, सारे ठीक से, ठंडा भी हो रहा है, तो पहले ठंडा बुखार आता था। तीन दिन के अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम थी बच्चे को? जैसे स्कूल से प्रॉब्लम, पैर हाथ दर्द कर रहा था, उसके बाद ठंडा अंडा नहाने से फिर ठंडा हो जाता था, जब भी दवाई खाए उसके बाद नहीं हो रहा था, ब्लड कम हो जाता था। अभी पहले 7 ग्राम 8 ग्राम 7 ग्राम 8 ग्राम होता था, उसके बाद जब से दवाई लाए हैं उसके बाद 10 ग्राम ब्लड हो रहा है। मतलब जब से दवाई चल दी है, जो 7 से 8 ग्राम था वो 10 ग्राम बढ़ चुका है। हाँ हाँ जी, पहले नहा नहीं रहा था, अभी नहा रहा है। पहले बच्चे नहा नहीं रहा था, अब जबरन बच्चे को नहा रहा है। हाँ हाँ, देखिए सर, बहने को इतना बच्चों की इतना बेहतरीन रिजल्ट आया कि हमारे किड्डो की वजह से, क्योंकि बच्चा इतने दिन से प्रॉब्लम में था, 2 से 3 लाख रुपए खर्च कर चुके थे लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमारी संस्था की दवाई की वजह से आज 2 महीना रेगुलर बच्चा ले रहा है और इतना बेहतरीन बच्चा का जो ब्लड की संख्या भी कम थी वो बढ़ चुकी है।